नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की, जो कि है सितंबर और अक्टूबर से रिलेटेड। तो अगर आपने जनवरी टू अगस्त की वीडियो नहीं देखी है हिमाचल करंट अफेयर की, तो जो ऊपर लिंक आ रहा है आपके पास, उस पे जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी ये है जो वीडियो है वो रिलेटेड है सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर से। तो हिमाचल से रिलेटेड करंट अफेयर ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए सितंबर और अक्टूबर के मैंने कंबाइन कर दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश सीएम वीरभद्र सिंह लॉन्चेस फेज वन ऑफ केशंग हाइडल प्रोजेक्ट, यानी कि केशंग हाइडल प्रोजेक्ट है जो वो लॉन्च किया गया है सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा। तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 12 सितंबर 2017 को। अगर इसके कैपेसिटी की बात करें तो 65 मेगावाट पावर इससे उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो कहां पर लगी है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किसके द्वारा लगाई गई है? तो ये लगाई गई है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि HPPCL। ठीक है, अगर बात करें इसकी टोटल की, तो वैसे इसके तीन प्रोजेक्ट मतलब इसकी तीन यूनिट लगाई जाएंगी, जो कि होगी टोटल 195 मेगावाट की। बट अभी जो प्लेस की गई है वो की गई है एक ही यूनिट, जो कि जिससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा 65 मेगावाट का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे आपको मेन हेडलाइन याद रखनी है और कहां पर लगाया गया है ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक बसेस एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पहला विश्व में ऐसा स्थान है जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस इतनी हाइट पर चलाई गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर जीएस बाली और कुल्लू के डिप्यूटी कमिश्नर मिस्टर यूनुस ने ये सर्विस स्टार्ट की थी 21 सितंबर 2017 को। और ये किन दो स्थानों के बीच में शुरू की गई है? तो मनाली और रोहतांग के बीच में इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राइजेस पेड मैटरनिटी लीव फॉर 180 डेज। ठीक है, तो वुमेन एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए जो पहले मैटरनिटी लीव्स होती थी वो 135 होती थी, जो अब बढ़ाकर 180 डेज कर दिया गया है। और ये कब अनाउंसमेंट कब की गई थी? ये 27 सितंबर 2017 को की गई थी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, एडीबी अप्रूव्स यूएसडी 80 मिलियन लोन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ टीवीईटी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, उसने अप्रूव किया है लोन फॉर किसके लिए? इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ इनहांस जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 28 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स। ये तो आपको पता ही होगा, आईआईटी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 3 अक्टूबर 2017 को प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने एम्स की जो कहते हैं कि फाउंडेशन रखी, वो रखी बिलासपुर में। यानी कि ये बोला था कि बिलासपुर में जो वहां पर आधारशिला रखी गई, और आईआईटी की, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये रखी गई है ऊना में। तो आपको सिर्फ याद रखना है एम्स बिलासपुर में, आईआईटी ऊना में। ठीक है, और स्टील प्रोजेक्ट, स्टील प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एट कंदरौरी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं कहां पर क्या लगाया गया है। नेक्स्ट है, एचपी कैबिनेट अप्रूव्स हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी एंड मुख्यमंत्री रूरल रोड रिपेयर स्कीम। तो ये स्कीम चलाई गई है, सिर्फ आपको याद रखना है मुख्यमंत्री रूरल रोड रिपेयर स्कीम। और इसको कब किया गया था? 4 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि क्या है। तो नाम है हमारे पास मुख्यमंत्री रूरल रोड रिपेयर स्कीम। कब शुरू, मतलब कब इसको लागू किया गया? 4 अक्टूबर 2017 को। तो ये स्कीम जो अंडर आती है वो आती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा के अंडर। ठीक है, तो कई बार आपसे मनरेगा की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश इंप्लीमेंट सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो ये दूसरी स्कीम चलाई गई है SCHIS, यानी कि सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। और ये कब? ये भी 9 अक्टूबर 2017, ठीक है, हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है शिमला में। तो यहां पर कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, बेनिफिट क्या होंगे। तो इतना ही था, ज्यादा कुछ करंट अफेयर नहीं थे। जो भी मुझे मिले, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर लिए जाएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।